सबसे पहले मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ हैं मुस्कान बामने, जो कि इस समय बिग बॉस के घर के अंदर है। मुस्कान बामने के अंकल राज बामने। राज जी, स्वागत है आपका फीफा फूस पे। सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है मुस्कान का गेम, और हाल फिलहाल जो चीजें, मतलब आपने देखा मुस्कान को किस तरीके से पूरा टूटी वो, लेकिन उसके बाद दोबारा खड़ी हुई, तो इन पर, इन सभी बातों पर आपका क्या कहना है? फर्स्ट वीक में जब मुस्कान ने एंटर किया, 2 दिन हम लोगों ने वेट किया, टेलीकास्ट कब होगा, टेलीकास्ट कब होगा। घर का माहौल इतना सूना था क्योंकि मुस्कान नहीं थी, पहली बार उसे हमने अकेला छोड़ा है, तो घर में सभी उसे बहुत मिस कर रहे थे। फिर जब उसका एपिसोड आया, हम सब बहुत खुश थे, पर जब देखा कि वो मिस कर रही है सबको, रो रही है, तो फिर हम सबकी आंखों में आंसू थे। हम बहुत थोड़ा परेशान रहे, पर जब सलमान सर ने जब से समझाया है, तब थोड़ी हैप्पी लग रही है। आज दिन भर से उसे देख रहा हूँ, सुबह से आज देख रही है, फुल खुश है। आज तो अच्छा लग रहा है देखकर उसे, खुश। क्या बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि बिग बॉस जाने का जो डिसीजन था, मतलब जैसे मुस्कान ने आप सभी लोगों से बातचीत करके वो डिसीजन लिया था, या फिर मुस्कान का खुद का डिसीजन था कि मुझे बिग बॉस में जाना है? सबका काम, फैमिली का पूरा। मुस्कान को भी ऐसा लगा कि उसने अभी तक रियलिटी शो कभी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, तो मुस्कान का मन बिल्कुल था कि बिल्कुल। मैं करके ट्राई करके देखती हूँ। पर हमने भी उसे समझाया कि हाँ बेटा, जरूरी है, क्योंकि अभी तक तुम निकली नहीं हो कभी घर से अकेले बाहर। हम सब साथ में, कोई ना कोई रहता ही है उसके साथ में, तो फर्स्ट टाइम है वो अपने आप को भी देख पाएगी कि वो अकेला कैसे सर्वाइव करती है, क्या कर पाती है। और बिग बॉस का जैसा सेफ हाउस है, तो उससे अच्छी जगह उसको लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं और नहीं मिल सकती थी। ये तो सही बात है। तो उसने प्रॉपरली इस चीज का फायदा उठाते हुए बिग बॉस में सीधे एंट्री करी है। और मैं आपसे, मतलब ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हो कि सलमान खान ने मुस्कान को समझाया है, तो क्या लग रहा है ये वर्क करेगा ये चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्क करेगा। मतलब मुस्कान को तो बस एक मोटिवेशन की जरूरत थी, वो डर रही थी लोगों से बात करने में, लग रहा था उसे कि किसी को भाई कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी, क्योंकि वहाँ सब तेज आवाज में बात करते हैं। मुस्कान थोड़ी सी धीरे बोलती है और थोड़ा सा बदतमीजी नहीं कर पाती है, बहुत रिस्पेक्ट से बात करती है लोगों से, तो उसे थोड़ा खोला है। बिग बॉस ने भी उसे समझाया है, बिग बॉस ने भी अपने कन्फेशन रूम में बुलाकर उसको समझाया है, तो अरफिन जी भी उसे समझा रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। तो मुस्कान से ट्राई कर रही है धीरे धीरे, तो शायद लगता है मुस्कान को, सबको नया मुस्कान का रूप देखने को मिलेगा। एक सोशल मीडिया पे ना, मतलब जब हम लोग सब देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो एक बात पता चली कि मतलब किसी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मुस्कान बहुत प्योर है, मतलब प्योर सोल है, और शायद मुस्कान का बिग बॉस में आने का डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसा तमाम बातें लिख रहे हैं। और एक बात जो मेरे नजर में भी थी कि भाई इतने प्योर लोग अगर बिग बॉस के घर में आ जाएंगे तो शो कैसे चलेगा? मतलब कहीं ना कहीं मुस्कान ने खुद ये भी कहा कि मैं मेरे फैमिली से कभी दूर नहीं रही हूँ, और मैं दूर, मतलब मेरा, मतलब सबसे ज्यादा मेरे पास फैमिली की ही बातें करने को, मैं उसके अलावा बाहर की कुछ बातें नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है इन सोशल मीडिया वाली बातों पर, कि क्या सच में कोई गलत डिसीजन हो गया? नहीं, डिसीजन गलत नहीं है, अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अभी तक लोगों ने सबको देखा है लड़ते झगड़ते। अब कोई प्यार वाला भी आना चाहिए जो प्यार से लोगों बिल्कुल से बात बिल्कुल करे, प्यार से लोगों को समझाएं, तो ऐसा कंटेंट कोई होगा बंदा शो के अंदर, तो फैमिलीज जुड़ेंगी, देख पाएंगी बैठकर, कुछ लोगों को पसंद आएगी मुस्कान, तो उसकी लाइफ के लिए अच्छा है। और एक एक चीज ये भी बहुत ज्यादा उठ रही है कि मतलब जैसे मुस्कान का जो कैरेक्टर था, अगर मैं बात करूं अनुपमा में, तो थोड़ा सा मतलब इस कैरेक्टर से पूरा डिफरेंट था, पूरा मतलब बहुत डिफरेंट था ज्यादा भाई, आउटस्पोकन और थोड़ा सा बोलते ना एरोगेंट और इगोइस्टिक टाइप का कैरेक्टर था जो बिल्ड किया गया था। वेल, जब हम बिग बॉस में देख रहे हैं तो ये पूरा एक ऑल्टर ईगो लग रहा है मुस्कान का, कि भाई अभी तो ये था, अभी ये कैसे हो गया? तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ। इस बारे में तो मुस्कान और मेरी बहुत बातें होती थी, जब भी मुस्कान सीन करके आती थी ना सेट पर, अपना जाकर उसने एक्शन किया और अपनी मम्मी से लड़ाई करी सीन में, और लड़ने के बाद वो आती थी रूम में, तो मुझसे कहती थी हमेशा कि अरे यार चाचू, ऐसे कैसे बच्चे लड़ लेते होंगे, टीनेजर ऐसे कर लेते होंगे क्या, अपनी मम्मी से ऐसे बोल लेते होंगे क्या, इतना बदतमीजी कैसे कर लेते होंगे। तो वो खुद भी अपने आप से ही क्वेश्चन करके परेशान होती थी, क्योंकि वो उसको कमेंट वैसे आने लगे थे ना, इंस्टा पे फोटो अपलोड करे, वीडियो अपलोड करे, तो कमेंट, पाकी बदतमीज, बाकी पसंद नहीं है, बहुत नफरत करते हैं हम तुमसे, ये वो, भाई मतलब हद लेवल के लोग बुराइयां करते थे। और वही ऑडियंस जब उसको बिग बॉस में लोगों ने देखा और बोला कि प्योर सोल है, ये तो बहुत इनोसेंट है, तो इतना खुशी हो रही है ना पढ़ के मैसेज, अच्छा लग रहा है। अगर मुस्कान पढ़ पाती तो उसे बहुत अच्छा फील होता कि वो चलो ठीक है, फाइनली लोगों ने मुझे जाना और ये समझा कि नहीं, मैं हूँ रियल में अच्छी।
क्या बात है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे इतना पॉपुलर शो था जिसमें मुस्कान थी और बहुत अभी भी अच्छा खासा शो चल रहा है वो, मैं ये जानना चाहूंगा कि अनुपमा के सेट से या कास्ट एंड क्रू से किसी का कोई रिस्पॉन्स आया जब मुस्कान बिग बॉस के घर में गई? हाँ सबके मैसेज, तोशु भाई उसका, सागर तो अपना, अधिक, सबके मैसेज हैं, सबके फोटो, लाइक वाइक स्टोरी स्टोरी चल रही है, पारस तो करते ही रहता है, पारस कलनावत, सब प्रॉपरली हैं। हाँ इवन केदार ने भी इंस्टा पे भी कमेंट किया था बीच में उनके भी, हाँ वो तो और भाई बहन सभी की लोग जोड़ी है दोनों की, बिल्कुल सगे भाई बिल्कुल बहन जैसे हैं। अभी मेरी केदार भाई से ही बात होगी, हो सकता है, उम्मीद करता हूँ 2-3 दिनों बाद तो उनसे मैं पूछूंगा आशीष के बारे में। अरे बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आपको कैसा गेम लग रहा है मुस्कान का? बिकॉज उनको ना लोग, एक कंटेस्टेंट थी बिग बॉस के घर में, आपको बता दूं, सीजन 16 में सुम्बुल तौकीर खान, वो भी टीवी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। सुम्बुल ना उस चीज के लिए फेमस थी जो बिग बॉस के घर में नहीं होना चाहिए। सुम्बुल मतलब थोड़ा सा इमोशनल थी, थोड़ा सा रोना धोना था, तो बहुत सारे लोग ना मुस्कान को सुम्बुल से कंपेयर कर रहे हैं, जिसपे मैंने वीडियो बनाया था कि भाई गलत है। और मैंने मेरे लाइफ पे भी ये चीज बोला है, जब मैं लाइव जाता हूँ एपिसोड के बाद, तो मैंने उसमें भी ये चीज बोली थी कि भाई मुस्कान जैसे लोग जो होते हैं ना बहुत प्योर होते हैं, इनको ट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आए अपनी मर्जी से अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन इस समय मतलब मुस्कान को लोग एक टैग दे रहे हैं सुम्बुल 2.0, तो उसपे आपका क्या कहना है? हाँ दोनों में बहुत अंतर है। सुम्बुल है, मैं उसको कभी मिला, मतलब एक ही बार मिला हूँ सुम्बुल से, मैं, मेरी कोई बात नहीं हुई है उससे, और मैंने उनका एपिसोड देखा नहीं है किस्मत से, मुस्कान ने देखा है, मैं देख नहीं पाया, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। पर मुस्कान जो है वो रियल में बोलू ना, तो वो पता है किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि यार किसी को हर्ट ना हो, कि भाई गेम गेम की जगह है, मैं टास्क कर लूंगी पर मैं प्यार से बोलकर लोगों को मना लूंगी कि नहीं आप ऐसा कर लेते हैं, नहीं आपने ऐसा गलत किया है, किसी से वो प्यार से करने की कोशिश करेगी आगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बिग बॉस के घर के अंदर आपको मुस्कान की दोस्ती किनके साथ पसंद आ रही है, या फिर किसके साथ आप मुस्कान को थोड़ा और ज्यादा देखना चाहते हैं? हाँ श्रुतिका जी के साथ मुस्कान की अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है देखकर। फिर उसने बात की शहजादा से तो अच्छा लगा कि चलो कोई सुन रहा है मुस्कान की। फिर करणवीर जी से ही उसने बात की तो अच्छा लगता है कि चलो कोई मुस्कान की सुनता भी है कोई, मतलब प्रॉपरली उनको अपने बारे में बता पा रही है और वो उसको गाइड कर रहे हैं, अपना अच्छा बता रहे हैं, तो अच्छा लगता है देखकर। अभी बिकॉज भी अभी देख रहा हाल हूँ मैं टीवी, अभी मेरे सामने टीवी में देख रहा हूँ, अभी भी मुस्कान श्रुतिका के पास ही बैठी हुई है, उससे बात कर रही है। अभी हाल मतलब करणवीर ने भी ये चीज बोली थी कि मतलब तुम में और बाकी बिग बॉस के घर वालों में सबसे अच्छी चीज क्या है कि तुम सुन लेती हो, बाकी लोग सुनते नहीं। ये भी एक बात सामने आई थी। प्लस अभी आप जैसे टीवी पे देख रहे हो, और अभी आपने बात की जैसे शहजादा की, तो शहजादा को ना लोग ये बोल रहे हैं भाई ये तो मतलब किसी मतलब पिछले सीजन्स की कॉपी कर रहा है और कुछ लोगों को इनेक्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कि दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तो वो जाता है वहां पर, पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, तो पता चलेगा और स्टार्ट, मतलब वो जो लड़ रहे थे वो साइड हो जाएगा और ये लड़ना स्टार्ट कर देता है, फिर ये अपना मुद्दा पकड़ के बिल्कुल चालू हो जाता है, वो गलत है, मतलब कंटेंट के चक्कर में यार इतना भी मत करो कि हम थक जाएं देख देख कर, उसको गलत लग गया, उसको गोलियां मंगानी पड़ और मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे जब नॉमिनेशन वाला पार्ट हुआ तो रही। यूजुअली हम सब, मैं खुद वेट करता हूँ कि भाई कोई भी अगर एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहा है बिग बॉस के घर में तो वो अपना स्टैंड ले या बोले, बट मुस्कान ने अपने पार्ट पे कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने बोला ठीक है एक स्माइल के साथ, उन्होंने उस चीज को हैंडल कर दिया। लेकिन उस समय आप लोगों का क्या रिएक्शन था? मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि अगर किसी का क्यूट होना, किसी का प्यारा होना, किसी का इनोसेंट होना, और कोई अच्छे से आपसे रिस्पेक्ट से बात करे, तो उसका ये गुनाह है और इस चीज के लिए उसे बिग बॉस हाउस से बाहर जाना चाहिए, तो ये गलत, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप उसे जानने की कोशिश करो, उसे मौका दो, वो थोड़ा खुले की बात करेगी तो आपको अच्छा लगेगा, पर अगर आप बोलो कि यार इनोसेंट है ये, वो प्यारा है, भाई ये बिग बॉस हाउस में नहीं रह सकता, तो बिग बॉस हाउस में ऐसा नियम नहीं है ना कि आप प्यारे हो तो आप यहाँ नहीं रह सकते, तो सही बात वो है। थोड़ा गलत लगा मुझे। अभी जैसे पहला नॉमिनेशन था तो लोगों ने टारगेट किया मुस्कान को, घर वालों ने ही, जैसे कंटेस्टेंट है नायरा बैनर्जी, वो तो मतलब दोस्त बन के दोस्त उन्होंने पूरा घोप दिया एक बनते हिसाब से कहा जाए तो। राइट, नायरा ने वो चीज की, और कहीं ना कहीं सलमान खान ने समझाया वीकेंड के बाहर पे कि कैसे मुस्कान को ओवरकम करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट अभी जो हफ्ता शुरू हुआ है आज से, क्या इसमें मुस्कान थोड़ा सा उठकर दिखेंगी या दोबारा से
लोग टारगेट करने पर तुल जाएंगे। नहीं, मुस्कान बहुत अच्छी दिखने वाली है, उठकर देखेगी मुझे लग रहा है। जैसे उसको टास्क भी मिला है शायद विवियन से लड़ाई करने वाला, तो वो भी मैं वेट कर रहा हूँ कि देखूँ भाई मुस्कान कितना खुलकर आती है। और मुझे लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा खेलेगी बोलूंगा, तो उसमें इतना तो है नहीं कि वो गेम खेलने के हिसाब से चीजें करे माइंड में सोच के, वो प्यार से ही करेगी जो भी चीज करेगी, टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करेगी, मेन टास्क का होता है, और वो अपना पूरा एफर्ट लगाएगी उसमें। अच्छा मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे जब मुस्कान घर से निकल रही थी या जब आप डिस्कस हुआ था कि बिग बॉस में जा रहे, तो क्या कुछ आप लोगों ने आपस में बातें की थी या फिर कोई ऐसी बात जो आप लोगों ने मुस्कान को समझा कर भेजी थी कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना वैसा कुछ? सबसे पहले तो मुस्कान ने बोला कि चाचू रोज सुबह ना मैं उठूंगी तो अलग से तो बोलना कि अच्छा वाला गाना बजाए, क्योंकि बिग बॉस हाउस में गाने का तो उठना पड़ता है डांस करते हुए तो मजा आता था, हम प्रैक्टिस करते थे कभी कभी, या भूल जाते थे जिस दिन याद आता था कि अलेक्सा स्टार्ट, फिर मुस्कान हंसती थी कि चाचू ने गाना प्ले कर दिया है, तो उसको बिग बॉस की याद दिलाते थे हम लोग कि तुझे जाना है बिग बॉस में हमें छोड़ के अकेले, तो बड़ा वो शौक हो जाती थी कि भाई यहाँ चाचू कैसे रहूंगी मैं। पर है, पर हमने इससे एक चीज जरूर बोली थी, फुल फैमिली सबने एक बात बोली कि मुस्कान जो करना है कर, जी अपनी जिंदगी वहां, हमारी तरफ से बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम कुछ नहीं बोलने वाले ना हम कुछ सोचने वाले, हम तो बोल अच्छा रहे हैं कि जो करना है कर, अपनी लाइफ को जी कर। तो हमने उसे भेजा उसी थॉट में था कि खुश रहे मस्ती करे, पर उसे थोड़ा लोगों से घुलने मिलने में वक्त लगता ओके, मतलब है। आप एज एन आप कहना चाह रहे हो कि मुस्कान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है इस चीज में, मतलब हाँ मतलब थोड़ा समय लगेगा उनको। वो लगता है कि मैं कुछ बोलूं तो वो अच्छा होना चाहिए सामने वाले के लिए, क्योंकि उसे बिचिंग करना नहीं आता, उसे किसी की बुराई करना नहीं आता, अगर उसे कोई बुराई कर निकलवाएगा तो उसको उसे जबरदस्ती की नहीं, तुम बताओ बताओ किसी के बारे में बताओ, तो भी वो हंसते हुए सिर्फ दो शब्द बोल के शायद चुप हो जाएगी। जैसे रजत करवा रहे थे उनसे कि इसके बारे में क्या हाँ कहना है, इसके बारे में क्या कहना है। हाँ सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि मुस्कान को मतलब किनके साथ ज्यादा बैठना चाहिए, कि समझ रहे हो आपकी थोड़ा सा उनका भी गेम स्ट्रांग हो और मुस्कान ज्यादा से ज्यादा दिखने में आए? अब विवियन के साथ मुस्कान को रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बंदा है शो में, फिर उसके बाद श्रुति का फुल टाइम पास करती हैं, हंसती रहती हैं, और हम तो खतरनाक हाँ फुल बहुत श्रुति बहुत का मतलब ज्यादा नेक्स्ट लेवल। उनकी पति उनके पति की बातें सुन सुन के ना बिल्कुल ऐसा अच्छा लग रहा है कि अर्जुन हमारे दोस्त है ये फील होने लगा है। और मुझे लगता है करमवीर सर के साथ बैठना चाहिए क्योंकि वो बहुत समझदार है, वो हमेशा बाहर, मुझे अच्छी लगती है करम सर की बात, वो हमेशा ये बोलते हैं कि बाहर फैमिली देख रही है जब कोई लड़ता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि लोगों को गेम है बिग बॉस से, बिग बॉस नहीं है भाई लड़ाई वाला गेम, या लोगों ने बना लिया खुद से कि लड़ाई करेंगे तो हम दिखेंगे। एक अजम्पशन कर लिया है वो। हाँ लोगों ने सोच लिया कि बिग बॉस में देखते आ रहा हूं मैं, जब स्टार्ट हुआ था बिग बॉस मेरी पूरी फैमिली बैठ के देखती थी, हम इतना एंजॉय करते थे, इतना मजा आता था, वो बिग बॉस वैसे ही वापस होना चाहिए धीरे धीरे करके, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल भाई ये टास्क का गेम है, यहाँ आपको टास्क मिलेंगे बिग बॉस देगा आपको वो करना है, आप एक दूसरे के मुंह पे चिल्ला के कॉफी के पीछे लड़ाई करोगे, ये सब आप रियल लाइफ में बाहर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो क्यों उसमें जबरदस्ती बिल्कुल दिखा रहे हो आप ये चीजें? वो मुझे बुरा लगता है कि लोग अपने फोकट में चिल्ला चोट कर रहे हैं बस। मैं फिर आपसे अभी जैसे आपने कहा कि बाहर फैमिली देखने वाली जो बात थी, ये ना करणवीर ने शायद अविनाश को बोला था अभी सैटरडे वाले एपिसोड में, लेकिन कटु रजत दलाल बीच में आते हैं। रजत कहते हैं कि भाई आप बार बार ये बात बोल रहे हो कि फैमिली देख रही है, फैमिली देख रही है, उससे आपको क्या करना है, कोई भी देखे। तो इस पे फिर आपका क्या कहना है, स्टेटमेंट पे क्या कहना है? यार मेरे को रजत की स्टोरी नहीं मालूम, मैं उसकी स्टोरी पर स्टडी जरूर करता, और बस टाइम नहीं है बता मैं मैं बताता। बता देता हूँ थोड़ा सा, हाँ हाँ प्लीज। रजत दलाल एक मतलब पावर लिफ्टर है इंडिया के लिए, वो मतलब खेल चुके हैं अगर उस हाँ हिसाब से आप ये देखें तो। बात बट कैसा हुआ कि जो उन्होंने वो चीज की उसमें लोगों को पता ही नहीं चला कि रजत दलाल कौन है, लेकिन बीच में यूट्यूब पे थोड़ी बहुत उनकी कंट्रोवर्सी हो गई, लड़ाई हो गई, भाई ने मतलब लोकेशन मांगी, वीडियोस बनाए कि लोकेशन भेज मैं आ रहा हूँ, और वहां जाके उस बंदे से सॉरी बुलवाना। जैसे कैरी मिनाटी यूट्यूबर है अगर आपको पता हो, तो कैरी मिनाटी ने वीडियो बनाई थी रजत दलाल के ऊपर, और रजत दलाल ने उसके बाद स्टोरी एक स्टोरी अपलोड की थी और ये कहा था कि कैरी वीडियो मतलब डिलीट होनी चाहिए, मेरा पार्ट डिलीट कर देना या फिर माफी मांग, या फिर तुमको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, धमकी वाले टाइप में। और इस चीज की वजह से रजत दलाल ज्यादा फेमस हो, जो अच्छा उन्होंने पास्ट में किया उसकी वजह से फेमस नहीं हो पाए, बट जो यूट्यूब पे उनका जो स्टंट था, ये सारी जो चीजें थी, चाहे वो स्टंट हो या असलियत हो,
प्लस इनके घर पे जो इन्होंने प्रीमियर वाले एपिसोड पे बोला कि पंडित जी आए थे, मैंने हथौड़ा मार दिया आप पे उनके, वो सारी चीजें इन्होंने की हैं और उस चीज की वजह से फेमस हो गए बहुत ज्यादा फिलहाल। प्लस शैलेश यादव और बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर्स हैं दिल्ली हरियाणा और एनसीआर के, उनके दोस्त हैं बहुत अच्छे, अच्छा ओके ओके। ये हैं रजत दलाल। पर यार बहुत बोलते हैं, बहुत कंटिन्यू बातें करते हैं। अगर अविनाश हटा तो वो दोनों जो हैं ईशा और उनके पास जाके बैठे उनसे बातें, मतलब जिसके पास भी बैठ के वो बातें करेंगे ना तो सामने वाला सिर्फ ऐसा ही करेगा, वो बोलने का मौके नहीं देते भाई साहब, बिल्कुल कंटिन्यू चालू रहता है उनका, बहुत बहुत ज्यादा बातें। पर यार फैमिली देख रही है बात, ये सही है, लोगों को सोचना ये बात तो चाहिए। बिल्कुल सही है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कितना भी फ्री क्योंकि हो जाओ, हाँ ये एट पॉइंट यूट्यूब में आपकी नहीं है फैमिली ना, देखती यूट्यूब तो क्या होता है ना, यूट्यूब पे कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारी चॉइस है, हम देख रहे हैं। मतलब मैं सेल्फ हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख रहा हूँ तो वो मेरी चॉइस है, अब वो गाली बके उसमें अच्छी बातें करे बुरी बातें करे, मेरी चॉइस है ना, मैं देख रहा हूँ। सही पर बात। ये टीवी शो है, ये सब देख रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ी सोचनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको अभी जो भी चीजें, जैसे आप कह रहे हो अभी हाल फिलहाल ये भी हुआ था कि मुस्कान को जैसे अरफीन जब बता हाँ रहे हाँ थे दिमाग उनका काम कर रहे थे, तो अरफीन ने एक बात बोली कि शहजादा को बोला था तू इससे लड़ना और एक पॉइंट पे शांत हो जाना, जब जब ये थोड़ा सा हाइपर होने लगे तो। इवन उन्होंने फिर मुस्कान को ये कहा कि विवियन से आप फाइट करो, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब ये मुस्कान ये पुल आउट कर पाएंगी या फिर ये एक बोलते हैं ना मेड आउट लगेगा लोगों को, क्या लग रहा है आपको? मैंने वो वाला सीन देख रहा था मैं लाइव में, वो कन्वर्सेशन, तो जब शहजादा से बोला उन्होंने कि अरफिन जी ने कि तुम मुस्कान से लड़ाई करना, तो शहजादा कहता यार मेरी भाई रिपोर्ट, मैं मेरी थोड़ी आ रहा रिपोर्ट खराब हूँ होगी बाहर, लोग मुझे कहते नेगेटिव सोचेंगे। मैंने कहा भाई तू वैसे तो लड़ रहा है सबसे यार, चिल्ला बिल्कुल चिल्ला के। पर अच्छा है मुस्कान को, तो इस बहाने थोड़ा खुल जाएगी, टास्क है तो उसको लगेगा टास्क है, और टास्क वो अच्छे से करेगी क्योंकि उसको एक्टिंग करने में बहुत मजा। बट क्या लग रहा है आपको कि मुस्कान को कौन आगे चल के धोखा दे सकता है या फिर टाइप ऑफ उनके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है बहुत ज्यादा? ईशा और एलिस और नायरा जी, ये भाई मुस्कान इन सबके पास बैठती है, पता प्यार से बातें करती है, अच्छे से उसके सामने बातें करते हैं। मैंने देखा लाइव में जब मुस्कान हट जाती है ना तो चली जाती है, तो फिर उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं थोड़ा सुन के अजीब सा लगता है मुझे कि अरे यार तुम उसको स्वीट भी बोल रहे हो, प्यारा भी बोल रहे हो, बात भी कर रहे हो, क्यूट भी बोल रहे हो, फिर तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो तो बुराई करती नहीं किसी की, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में देखने में। पर गेम है, लोग हैं वहां पर, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम तो किसी की सोच को रोक नहीं सकते, तो हम भी देखते हैं। और एज अ फैमिली जब आप सभी लोग मिलकर बिग बॉस देखते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है मुस्कान को टीवी पे देखकर? ऑल्दो आपने इसके पहले देखा हुआ है अनुपमा में उनको अच्छा काम करते हुए और अच्छा खासा उनको प्यार मिला है, ऑल्दो अगर मैं बोलूँ तो मेरी बहनें खुद देखती हैं, अनुपमा फैन है तो वो पता चलता है, जैसे आशीष भाई केदार जिनका नाम और इन सभी लोगों की फैन है उसमें से मुस्कान भी एक नाम है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि प्राउड ऑफ फील करते हो, लेकिन जब बिग बॉस में देख रहे हो आप मुस्कान को तो कैसा फील होता है? पता है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है हमें भी नहीं पता था मुस्कान अगर अकेले रहेगी तो कैसे रहेगी, क्या करेगी, वो पहली बार सब सब लोगों से मिल रही है, अकेले बात कर रही है, अकेले घर में रह रही है, अपना सब कुछ कर रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। पर जब रोई ना जिस दिन हमें याद करते, बस वो हफ्ता हमारा पूरा रोते हुए गया, हम पता है ऐसा वेट कर रहे थे कि वो एपिसोड टेलीकास्ट हो और हम देखें कि क्यों रोई, रीजन मालूम पड़े, क्योंकि छोड़ दिया था उन्होंने ये हम कल दिखाते हैं, और वो कल दिखाया नहीं, हम लोग पागल हो रहे हैं यार, आज एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ, आज क्यों नहीं दिखाया, क्या होगा क्या होगा, फिर हम अपने आप को मना रहे हैं। फिर हमने जब सेकंड देखा वो पूरा वीडियो सुना, यार बड़ा बुरा लगा, बहुत दुख हो रहा था रोते हुए देखते, कि फोटो मांग रही थी, और पता है फोटो नहीं देने का डिसीजन क्या था क्या मुस्कान को, मैंने ही बोला था कि मैंने कहा फोटो मुस्कान मत लेके जा, तू रोज देखेगी ना फोटो तो तुझे याद ज्यादा आएगी हमारी, कहती हाँ चाचू ये बात तो सही है, क्योंकि वो देखा आपने कल के एपिसोड में, जैसे ही उसने देखा मुझे वीडियो में तो उसने बोला चाचू और उसकी आंखें भर गई थी, तो वो थोड़ा सा समझ गया इमोशनल क्या हो गया था। कहना चाह रहे हो और कैसे हाँ मुझे ना कहना चाह रहे हो, मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब जब आप अभी मुस्कान को देख रहे हो तो आपको लगता है कि यार मुस्कान को शायद मतलब कोई एक चीज बतानी चाहिए थी या फिर ठीक है मुस्कान जैसा खेल रही है, क्या लगता है? नहीं, मुस्कान को थोड़ा सबसे खुलना चाहिए, बातें करना चाहिए, थोड़ा सा टास्क वास्क हूँ एक्साइटेड होके करना चाहिए, वो जरूरी है उसको आगे। ओके और
फिलहाल के लिए आपको कैसा लग रहा है मुस्कान का गेम, और क्या लगता है कि आने वाले हफ्तों में मुस्कान कितना क्या कमाल करेंगे? आने वाले हफ्तों में मुस्कान ग्रोथ करेगी, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जाएगी, धीरे 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 दिखने लगेगी ज्यादा। और आज बहुत एक्टिव लग रही है, सुबह से देख रहा हूँ तो मैं, दिख रही है आज, फुल डे दिखती है मुझे, लोगों से बात कर रही है, अब तो प्यार से लोगों से बात करना उसका स्टार्ट भी हो गया है। तो आगे और बातें होगी और लोग जानेंगे उसके बारे में, और वो लोगों को जान पाएगी अंदर सभी को, तो उसको भी मजा आएगा और वो सबसे फिर खुल जाएगी ना, तो फिर बिंदास गेम चल जाएंगे। ये तो सही बात है। आपको मुस्कान और शहजादा का जो बॉन्ड है, जो दोस्ती है, वो कैसी लग रही है आपको? बिकॉज कहीं ना कहीं मुस्कान ने खुद ही बोला कि मैं आज बात कर पाई, कितने दिनों बाद किसी से मैं बोल पाई कुछ। पहली बार मैंने किसी लड़के से इतनी देर हाँ, बात की। हाँ, तो ये वो कैसा मोस्टली लग रहा है किसी, आपको इनका हाँ बॉन्ड? वो मोस्टली किसी से बात नहीं करती, उसके जो फूड पे फ्रेंड्स बनते हैं जैसे तोशु, अपना अधिक, पारस, ये साथ में काम किया तो इनसे बहुत बाउंडिंग है, तो इनसे बहुत बात करी। अब सडनली शहजादा के साथ कभी काम नहीं किया, पहली बार मिला शो में तो बहुत बात हुई, तो उसने पहली बार किसी से वैसे बात की, तो अच्छा लग रहा था कि भाई वो दूसरे को जान रहे हो, सुन रहे थे, बातें कर रहे थे, तो सही था। शहजादा कोशिश कर रहा था मुस्कान से जानने की कि तुमने शो छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, और वो अपने शो के बारे में बता रहा था कि उसने क्यों छोड़ा, चल रहा था कन्वर्सेशन, देख रहा था मैं वो भी। और मतलब मैं आपसे ना थोड़ा एक एक लाइन के कुछ बात पूछूंगा, आप भी जवाब मेरे को वैसे ही देना। आपको क्या लग रहा है बिग बॉस के घर में सबसे स्ट्रांग प्लेयर कौन है फिलहाल मुझे विवियन लगता है इसको। के समय पे? विवियन डिसना। और सबसे बोलते हैं ना लोवेस्ट प्लेयर कौन है, मतलब जिसको अभी तक गेम समझ ही नहीं आया? सबसे लो ये ईशा और एलिस, ये अपना एक बनाकर, बस गेंग बनाकर ही बातें करने में लगी हुई आपस में। और क्या लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में आपको मतलब क्या लगता है किसकी सबसे ज्यादा फाइट्स हो सकती है आगे चल के? यार चाहत की और विवियन की बहुत लड़ाई कर रहे हैं अभी से दोनों। तो और आपको सबसे फेक कौन लग रहा है इस समय बिग बॉस के घर में, क्या लग रहा है, फेक सबसे फेक फेक नकली नकली, मुझे अविनाश बहुत बनावटी मतलब बहुत बनावटी लग ज्यादा? रहा है, मुझे बहुत बनावटी कर रहा है वो। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका टाइम देने के लिए राजी, और इतना नहीं, खुल मुझे के भी बात बहुत करने अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ और जितना हो सके मेरे तरफ से मैं कोशिश करूंगा उस काम को सपोर्ट करने की, और आप लोगों का बोलते सपोर्ट, हैं ना अच्छा खेलने की। ऑल दो बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने खुद भी ये चीज बोली है भाई, समझ सकते हैं। ऑल दो अगर मैं चीज बोलूँ तो मेरे ही एज की है मुस्कान, बट कहीं ना कहीं इस उम्र में वहां तक पहुंचना और अपने आप को स्टेबल रखना बड़ी बात होती है, फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना बड़ी बात होती है, और एक प्लेटफॉर्म पे आके उस चीज को अप्रिशिएट करना और उसके लिए ग्रेटफुलनेस दिखाना वो बड़ी बात होती है। तो उम्मीद करूंगा मैं कि मुस्कान आगे चल के अच्छा गेम खेले और उनको लोग उसी तरीके से पसंद करते रहे जैसा उनको लोगों ने पसंद किया है, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे मेरी दोबारा, अभी चाहे अगले हफ्ते या बीच में, दोबारा से बात जरूर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे आपकी दुआ और प्यार बनाए रखो, मुस्कान को सपोर्ट करते रहो, और मैं चाहता हूँ जैसे मुस्कान जो है रियल, ऐसे रियल लोगों को भी ना मौका मिले, लोगों ने समझे, लोग ये ना सोचे, कंटेंट ना ढूंढे कि यार मुस्कान लड़ नहीं रही है तो बाहर निकाल दो, यार आप देखो दो इंसान कितना स्वीट है, कितने अच्छे से लोगों से बातें कर रहा है। इस उम्र के बच्चे अभी तो शैतान हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ भी बोल देना, ओके उसमें मुस्कान एक अलग है, तो लोगों को प्यार देना चाहिए। धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट मुस्कान, बहुत सारा प्यार आपको। या थैंक यू सो मच।